ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य सपना श्री आप सभी को श्रावण मास के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। दोस्तों, ये सोमवार जो इस बार हमारे चार सोमवार लगेंगे, आप सबको पता है ये 16 सोमवार के बराबर हमारे को फल देने की शक्ति रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस बार बहुत सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है कि हमारे ये जो श्रावण के सोमवार आ रहे हैं, ये सोमवार को शुरू होके और सोमवार पे ही ख़त्म हो रहे हैं, जो कि हमारे 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेंगे। और 19 अगस्त को भी हमारा जो है वो सोमवार लग रहा है, जिस दिन इसका समापन है। ये महत्वपूर्ण और ख़ास क्यों होते हैं, ये जो नवरात्रे होते हैं, ये जो श्रावण के सोमवार होते हैं, ये कुछ ख़ास दिन क्यों खास होते हैं? क्योंकि इस समय जो होता है ना, इन शक्तियों के गण हमारे बहुत ही नज़दीक होते हैं। हम बहुत आसानी से अपने मन की बात, अपना पूजा पाठ, अपने जाप के द्वारा इन शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं कि भोलेनाथ तो पहले ही बहुत बोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे 108 चावल के दानों का उपाय हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। दोस्तों, छोटा सा उपाय है लेकिन अचूक है, बहुत ही खास है। इसको ध्यान से सुनिएगा और पूरे मन से, श्रद्धा से, संकल्प के साथ आप इसे करिएगा। 108 साबुत चावल के दाने ले लीजिए, एक रेशमी कपड़ा ले लीजिए। अब जैसे ही आप 108 चावल के दानों को एक तरफ रख लेंगे, उसको एक एक करके उठाएंगे, उसमें जाप बोलेंगे, अपना हाथ में लेके अपना जाप उसमें आप बोल सकते हैं, बोलेंगे। जाप है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने एक बार उसको बोल के उस दाने को कपड़े पर रख देना है। दूसरा दाना उठाना है, आपने जाप बोल के उसको फिर कपड़े पर रख देना है। ऐसे ही 108 आपके चावलों के दाने हो जाएंगे। इस पोटली को आपने बंद कर देना है। पोटली में आप कुछ फूल पत्तियाँ डाल सकते हैं, सफ़ेद फूल बहुत ही अच्छे रहेंगे, वो आप डाल सकते हैं। डाल के आपने इसको शिवलिंग पे मंदिर में ले जा के रख देना है, शिवलिंग पे। और अपनी तब जाके, जब आप इसको रखेंगे तब अपनी मनोकामना आपने इसमें बोलनी है। ये कार्य पूरा का पूरा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इस टाइम पे भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि आपको हो सकता है इतना ज़्यादा वहाँ पर शांति ना मिले और आप अच्छी तरीके से कर ना सके। इसलिए आप इसे घर पे करके भी मंदिर में ले जा सकते हैं। वहाँ ले जाके आप इसको शिवलिंग पे रखिए, बाकी जो अपनी पूजा अर्चना आप बाकी करते हैं वो आप अपनी करिए, और देखिए कैसे भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। इस उपाय को करिए, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोगों की मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। ओम नमः शिवाय।